अच्छा अच्छा भाई ने बोल दिया, अरे डेट है भाई की अगले महीने, अच्छा चलो ये स्टोरी ला रहे हैं जल्दी से, कोई भाई के लिए स्टोरी लिख, अच्छा म्यूजिक का ये बन गई 4 महीने में फिल्म, वो बनेगी ही नहीं, वो रजिस्टर ही नहीं होना है, वो आपने पैसे कमा भी लिए तब भी आपने फिल्म के लिए कुछ नहीं किया। नाम नहीं लूंगा एक एक्टर को, हम ऐसी बात कर रहे थे, बोले ऐसे ऐसे वो है ना, मैंने कहा भाई अब एक्टिंग पे भी कुछ काम हो रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं एक्टिंग वेक्टिंग कुछ मुझे लगता है वर्कशॉप वगैरह करना चाहिए। हाँ डायलॉग्स तो ठीक ही होते हैं अपने। मैंने कहा नहीं पर बिटवीन द लाइंस। अच्छा बिटवीन द लाइंस सब टेक्स्ट, अच्छा तो ये कौन सिखाएगा? अब आप स्टार बन चुके हो और ये नहीं मालूम, तो एक जर्नी है, आपको 7-8-9 साल आपको लगना पड़ता है, घिसना पड़ता है, बशर्ते आप बहुत ही फिल्मी खानदान से या फिल्मी रिच परिवार के नहीं हो कि आपका बाप बोले ले 100 करोड़ की फिल्म बनाता हूँ तेरे लिए। आपके घर वालों को समाज के लोग पूछ रहे अच्छा बड़ा बेटा आपका, अच्छा हाँ उसका कुछ हुआ, वो एक अलग स्ट्रेस, ये अलग ही प्रेशर है, बहुत भावनात्मक रूप से तोड़ने वाली जर्नी। एक एक्टर अगर स्ट्रांग ना हो इमोशनली तो ये तोड़ने वाली जर्नी है जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती। फिल्मों में एक्टिंग करते करते सीखे फिल्मों में एक्टिंग करना, ज्वाइन फिल्म्स एकेडमी द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। व्हाट्सएप करे अपना नाम और टाइप करे एक्टर और सेंड कर दे 8433666618 पर। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे johnfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। फिल्में बनती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन फिल्मों के साथ साथ जो सबसे ज्यादा ऑडियंस की नजर रहती है कि भाई जो फिल्म जर्नलिस्ट हैं वो आखिर फिल्म के बारे में क्या कह रहे हैं, स्टार्स के बारे में क्या कह रहे हैं, वो इससे ही पूरा अंदाजा लगा लेते हैं फिल्म के बारे में। कई ऐसी फिल्में हैं जिनके बारे में क्रिटिक्स की राय कुछ अलग होती है, ऑडियंस की कुछ अलग होती है, लेकिन कई बार ये राय मिलती भी है, लेकिन फिर भी हर फिल्म के साथ, उसके बिजनेस के साथ, उसके आर्ट के साथ ताना बाना हमेशा फिल्म जर्नलिस्ट का बना रहता है। ऐसे ही एक कमाल के फिल्म जर्नलिस्ट और क्रिटिक्स जो कि बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत सालों से फिल्म इंडस्ट्री को नज़दीक से बिल्कुल गहराई से और उस नज़र से देख रहे हैं जो नज़र आप जानना चाहते हैं, मेरे साथ हैं पराग छापेकर जी। वेलकम टू जॉइन फिल्म। थैंक यू पराग जी। ये जब से एक दौर बदला फिल्म इंडस्ट्री का पूरा, वो जो प्रिंट से डिजिटल वर्जन आना शुरू हुआ तब से आप लोगों ने सर शुरुआत की, वो बदलता दौर कैसा था? देखिए ये वाकई बहुत कमाल की बदलाव जो है ना वो टेक्नोलॉजी का। हाँ। मुझे याद है मैं लाइव इंडिया में था उस समय यूट्यूब लॉन्च हुआ था। हाँ। और अगर आप सर्च करेंगे तो YouTube के पहले 100 वीडियो में से मेरा वीडियो 60वें नंबर पे है। ओके, तो मतलब YouTube पे भी आप आए। नहीं पर तब YouTube जो होता था वो अपना काम स्टोर करने की जगह होता था। राइट कि भाई हमने हमारा काम रख दिया है, कभी काम आएगा तो हम दिखा सकते हैं, वो भी दिखा सकते कि नहीं ये पता नहीं था, मतलब स्टोर के लिए एक ऑनलाइन, पर ये था कि हाँ यार यहाँ पे रखा जा सकता है ऐसा कुछ कुछ आइडिया था। और शुरुआत में मतलब पहले तो जब हम लोग आए तो बीटा और वो चलते थे, तब तो उसको कोई बचाने का कोई नहीं है, मेरे पास कई सारे टेप्स पड़ी भी है पर वो यूजलेस है अब। लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी आने के बाद ऐसा जो पूरा नजर खुली है वो वाकई अमेजिंग है, वाकई अमेजिंग। ओके, ये जो फिल्म क्रिटिक्स होते हैं या फिल्म जो जर्नलिस्ट होते हैं, ये जो इंडस्ट्री है इसको ये किस नज़र से देखते हैं, मतलब क्योंकि ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू आपके पॉइंट ऑफ व्यू से फिर बनता है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? देखिए मतलब मेरा हमेशा से जो मानना रहा है किसी फिल्म को देखने का क्रिटिक्स, क्योंकि मतलब मेरे पिताजी की तनख्वाह शुरुआती दिनों में 350 रुपये थी, घर मिलते थे 12,000 के, ये प्रोपोर्शन हमेशा ऐसे ही रहा, ऐसे ही रहा है ना, मतलब तनख्वाह वर्सेस महंगाई। तो आप जब कोई फिल्म देखने जाते हैं आप अपना एक हार्ड अर्न मनी किसी आपके पसंदीदा सितारे पे या एंटरटेनमेंट के लिए परिवार के लगाते हैं। वहां जाने के बाद मुझे याद है एक बड़ा मजेदार किस्सा सुनाऊं, मैं धर्म जी के यहाँ गया था एक बार, मैंने बहुत फिल्में तड़ी मार के भी देखी, सही रास्ता नहीं है, आप बिल्कुल पढ़ाई ध्यान से कीजिएगा।
धर्म जी की फिल्में छोटे सेंटर पे पहले पुरानी फिल्में भी आती थी, राइट राइट, तो चरस, आंखें, जुगनू, ये सारी फिल्में धड़ाधड़ जेम्स बॉन्ड टाइप की आ रही थी धर्म जी की। और एक दिन एक पोस्टर बड़ा सा हैंड पेंट लगा हुआ था कि धर्मेंद्र का जेम्स बॉन्ड धमाका, और नीचे था रेशम की डोरी। हमने टिकट विकेट लिए, हम पहुंचे, एक रुपए 60 पैसे का स्टॉल होता, उससे आगे बढ़ने की हमारी हिम्मत नहीं थी क्योंकि जेब खर्च 2 रुपए था, 40 पैसे साइकिल स्टैंड के लगते थे। तो हम अंदर गए तो वहां पे वो तो बड़ी रोती धोती फिल्म, वो तो भाई बहन के रिश्ते पे थी। आई फील सो चीटेड, क्या कुछ दिखाया यार, ये क्या है, मतलब मैं, आपने मुझे बोला क्या, आप मुझे दिखा क्या रहे, है ना। फिर बाद में धर्म जी से मैंने कहा मुझे आपसे 1 रुपए 60 पैसे वापस चाहिए, है ना। तो ये जो चीटिंग का एहसास होता है ना जब ऑडियंस को, उस चीटिंग के एहसास को बचाने के लिए क्रिटिक होता है। ओके, तो एक फिल्म जर्नलिस्ट एसेंशियली अ ब्रिज बिटवीन इंडस्ट्री एंड ऑडियंस, इट शुड बी, राइट राइट, क्योंकि इधर भी हार्ड अर्न मनी लगा के सैकड़ों लोग मेहनत करते हैं और काम करते हैं, और उधर उनका तो बेचारों का खून पसीने की कमाई है। ओके, तो क्या कोई फिल्म एक मैंने अपना पैसा लगाने के बाद देखने की वो क्या पैसा वसूल है या नहीं है, या नहीं है, ये मुझे मेरे ऑडियंस को बताना है कि भाई देख ले, मुझे तो अच्छी नहीं लगी, है ना। पहले आपने छुप छुप के फिल्में देखी, छुप छुप के फिल्मी सितारों को देखा, और अब धड़ल्ले से उनके घर में घुस जाते हैं, बात कर लेते हैं। हाँ। ये जो जर्नी है ये कैसे शुरू हुई और क्या रहा? ये बड़ी कमाल की, मतलब फिल्मों के सपने तो बचपन से ही देखते रहे कि अमिताभ बच्चन मेरे भगवान रहे, और उनको लेके फिल्में बनाता रहता था मनी मन में, और सोचता रहता था कि अच्छा। और तब फैंटम सीरीज बड़ी चलती थी अपने ना कॉमिक्स में, और फैंटम करते करते मुझे फैंटम के कास्टिंग में हमेशा विनोद खन्ना दिखते थे, और मुझे लगता था यार अपना तो अमिताभ बच्चन है, भाई विनोद खन्ना क्यों आता है इसमें। तो वो एक कॉन्फ्लिक्ट करते करते फिल्मों का चस्का शुरू हुआ, और फिर बच्चन की फिल्में, मतलब मैंने गंगा जमुना सरस्वती कह लें, जादूगर कह लें, मतलब जितनी फिल्में उनकी लास्ट की फ्लॉप हुई वो भी 50-50 बार देखी। ओहो, तो वो करते 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 है ना, वो समझ में आ गया कि यार ये देखो ये यहाँ पे कट लगा, यहाँ पे ये जंप है, यहाँ पे कॉस्ट्यूम का जंप है ना, ये स्टोरी ठीक नहीं है इसलिए ये नहीं चल रही, मतलब है। देख देख के भी एक एक्सपीरियंस हो रहा था, क्योंकि आप एक चीज 50 बार देखोगे तो आप भक्ति भाव से 2 बार देखोगे, एंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से 1-2 बार देख लोगे, फिर आप बारीकी आप ड्यूटी की तरह जा रहे कि हमारे कारण हमारे हीरो की फिल्म फ्लॉप नहीं होना चाहिए। फिर आपकी क्रिटिकल नजर शुरू होती है दौड़ना उस पर कि यार ऐसा क्या हुआ, क्यों फ्लॉप हुई है, राइट राइट राइट। और वैसे करते 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 मैंने सीखा, जब ऑडियंस नॉर्मली या फैन बेस किसी स्टार को देखता है टीवी पे देखे या कहीं भी इंटरव्यू में देखे, तो जब वो देखता है तो वो लगता है कि यार ये क्या है, इनकी जर्नी क्या है, लेकिन वो सारी चीज़ें आप निकालते हैं उनसे। तो जब स्टार आपके सामने होता है तो क्या ऐसा कुछ होता है कि यार मुझे ऐसा प्रेजेंट करना, ये करना, वो करना, मेरा ये प्रोजेक्शन है, या वाकई एक जर्नलिस्ट ओपन होता है या आप ओपन रहते हैं? देखिए मैं तो तैयारी करके बिल्कुल भी नहीं जाता हूँ कि क्या मैं, अब आप मुझसे बात करने के लिए बैठे हैं या हम दोनों चाय पीते हुए बात कर रहे हैं, हम क्या सोच के अच्छा इसके साथ चाय पीते हुए ये बात करूंगा, ऐसा हम नहीं करते ना। इस मैन टू मैन टॉक की भाई अच्छा भाई क्या चल रहा है, अच्छा तुम्हारा जॉइन फिल्म, अच्छा इसमें क्या क्या चल रहा है, और अच्छा तो आप डायरेक्शन भी करवाते हो, अच्छा लाइन प्रोडक्शन भी है, वेरी गुड यार, गोल्डन ग्लोब मिला यार, कितने मिलियन फॉलोअर, अब इसमें मैं क्या तैयारी करूँ बताओ। तो हम जब एक स्तर पे मैन टू मैन हम बात करते हैं तो नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है। अब आप मुझसे पूछेंगे क्या चल रहा है, तो मैं जीवन में मेरे जो उतार चढ़ाव है वो मैं बताऊंगा कि यार ऐसा ऐसा है यार, ऐसा ऐसा मैं कर रहा हूँ, ये काम करने में बड़ा मजा आ रहा है। तो मैंने नॉर्मली देखा है कि जो आर्टिस्ट होते हैं खासतौर से जो स्टार होते हैं जिनके पीछे एक स्टारडम लगा होता है, वो या तो एक जर्नलिस्ट के साथ थोड़ा सा बचते हैं या कभी कभी वो डोमिनेट करते हैं, पर आपके साथ मैंने जब भी देखा तो बड़े ओपनली देखा, खुले दिल से देखा, इसकी ट्रिक क्या है आपकी?
यही है कि मैं आप बात करो ना, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वी आर ब्रिज बिटवीन द इंडस्ट्री एंड ऑडियंस। एक शाहरुख खान का फैन है, वो देखना चाह रहा है कि शाहरुख खान क्या बात कर रहा है। अब मैं शाहरुख से पूछू, अच्छा तो आपने उस समय ऐसा किया तो, अरे भाई छोड़ना, शाहरुख खान मुझे भी पसंद है कलाकार के तौर पे और उसको भी पसंद है जनता को, तो उस कलाकार की क्या बात है, उस कैरेक्टर में उसने क्या मुश्किलें पेश आई, उसको उसने कैसे उसको जीता, वो मतलब रेक्स टू रिचेस की जो जर्नी है वो इंस्पिरेशन जनता जानना चाहेगी ना, उसके लाइफ की परेशानियां किसको नहीं है, अडानी को परेशानी है, अंबानी को परेशानी है, वॉरेन बफेट को परेशानी, सबको परेशानी है लाइफ में। हमारा काम है खुशियां बांटना। राइट है, तो कोई भी स्टार बनता है तो लोगों को तो तब पता चलता है जब वो स्टार बन जाता है, बोलते ना यार लाइम लाइट में आ गया, रातों रात स्टार बन गया। लेकिन आप वो होते हैं जो उस स्टार को या जो उस कलाकार को बहुत शुरुआती दौर से देख रहे होते हैं, और वो आपके सामने रातों रात स्टार नहीं बनता है, आपने उसकी जर्नी देखी होती है। बहुत सही बात कही आपने, मैं उन लोगों को ये ज़रूर बताना चाहूँगा जो अपने शहरों में, मैं इंदौर से आता हूँ, छोटा सा शहर है, जब कोई बॉडी बिल्डिंग, अरे तू तो बॉलीवुड में जा यार, या थोड़ी सुंदर लड़की होती है तू तो हीरोइन बन जाए, इतना आसान नहीं है, बहुत स्ट्रगल है, बहुत मेहनत है। आप सिर्फ बॉडी बिल्डिंग या खूबसूरत हैंडसम दिखने से एक्टर नहीं बनता, एक्टर वो एक्टिंग स्किल क्या है, उसमें सब्र कितना है, उसमें उस चीज़ को लेके पैशन कितना है, तब वो जाके यहाँ पर पहुँचता। और मैं मतलब वो शाहरुख खान हो, अक्षय कुमार हो, या अभी कार्तिक आर्यन हो, हम देख ही रहे बहुत मेहनत लगती है। नवाज 17 साल का स्ट्रगल, पंकज त्रिपाठी 7 साल का स्ट्रगल, आदमी घिस घिस के उस प्रोफेशन में। हाँ, अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि एडमिशन जब आप कहीं से आप बिल्कुल FTI करके भी आ गए या NSD करके भी आ गए, आप उस चीज के अधिकारी होते हैं कि हाँ अब मैं इस इंडस्ट्री में एंटर कर सकता हूँ। अब उसका ग्रेजुएशन शुरू होता है, है ना। मतलब आप देखो मनोज वाजपेयी और कितने छोटे छोटे किरदार में कहाँ कहाँ नजर, इरफान भाई, लोगों ने रजिस्टर भी नहीं किया, है ना, रिकॉग्नाइज भी नहीं किया। तो शाहिद ग्रुप डांस कर रहे हैं, हाँ। पीछे शम्यक की टीम में, तो एक जर्नी है, आपको 7-8-9 साल आपको लगना पड़ता है, घिसना पड़ता है, बशर्ते आप बहुत ही फिल्मी खानदान से या फिल्दी रिच परिवार के नहीं हो कि आपका बाप बोले ले 100 करोड़ की फिल्म बनाता हूँ तेरे लिए, अदरवाइज एक प्रोसेस है, उससे सबको गुजरना है, 8-9 साल स्ट्रगल। कौन से स्टार की भाई आपकी, आपने उसका कोई इंसिडेंट, कोई स्टोरी ने आपको बहुत टच किया हो, जब आपने उसको बनते हुए देखा और बन गया तो आपको कोई एक अच्छा होता ना अचानक मोमेंट याद आता है कि यार ये इसने क्या देखा है यार, क्योंकि आप तो चश्मदीद गवाह हैं बहुत सारी चीज़ों के। देखिए बहुत सारे स्टार्स हैं ऐसे, मतलब अभी मैं फैन के समय की बात कहूँगा, फैन के समय मैं शाहरुख खान और मेरा इंटरव्यू अमूमन पिछले 22-23 साल से रात को 3-3.5-4 बजे ही होता है, वो अच्छा। हमारा फिक्स टाइम है, तो मैं ऐसे ही खड़ा हुआ था तो पीछे से आए ही हग्ड मी, थैंक यू अरपराग, यू बीन देयर फॉर मी सिंस लॉन्ग टाइम, ईच एंड एवरी अप्स एंड डाउन्स तुम बने रहे। मैंने कहा आप भी वैसे ही बने रहे, क्योंकि रिश्ता तो दोनों ही तरफ से होता है। तो ये सारी जर्नी जो है ना एक कलाकार की, आपको कई बार और बहुत बुरी तरह का प्रेशर होता है एक आर्टिस्ट पे, एक आर्टिस्ट जब स्टार बनता है या एक आर्टिस्ट एक अंधे कुएं में छलांग है, सबसे पहली बात आर्टिस्ट का सबसे बड़ा वो है कि आप अंधे कुएं में छलांग मार रहे हो, क्या होगा पता, आपको पता नहीं कि होगा या नहीं होगा। दूसरा, एक साल बीता, दो साल बीता, आपसे घर वाले पूछते और क्या हो रहा है बेटा, आपके पास जवाब नहीं है। आपके घर वालों को समाज के लोग पूछ रहे हैं, अच्छा बड़ा बेटा आपका, अच्छा हाँ उसका कुछ हुआ, वो एक अलग स्ट्रेस, ये अलग ही प्रेशर है, बहुत भावनात्मक रूप से तोड़ने वाली जर्नी। एक एक्टर अगर स्ट्रांग ना हो इमोशनली तो ये तोड़ने वाली जर्नी है जब तक उसको सक्सेस नहीं मिलती है। मुझे याद है हमारे एक मित्र हैं, अब तो बड़े अच्छे नामी गिरामी कलाकार है, नीरज सूद करके, कई सारी फिल्मों में आपने उनको देखा है,
अभी गुड लक जेरी में भी थे वो, इसके वो बने थे, तो उनकी फिल्म जब बैंड बजा बारात में उनका अच्छा रोल था, वो सपोर्ट करते दोनों को अनुष्का और उसको, तो उसने मेरे को कहा यार भाई एक काम कर दे, पहाड़ का कोई अखबार है ना उसमें मेरा इंटरव्यू करवा दे। मैंने कहा मैं कर रहा हूँ ना तेरा नेशनल चैनल पे, मेरे को तू पहाड़ के किसी में मेरा बाप को पढ़ने दे उसको बस कि अपना बेटा कुछ कर रहा है, है ना। तो ये जो है ना ये हर एक्टर का है, ये शाहरुख खान के साथ भी उतना ही सही होता होगा कि यार अम्मी को जवाब क्या दे, है ना, सही बात, जितना कि आज कोई एक्टर आके यहाँ स्ट्रगल करेगा उसका भी वही स्ट्रगल होगा, वही वही होगा। ये जो एक एक्टर है जो स्टार बनता है या जो डायरेक्टर है तो ये बड़े बड़े बन जाते हैं, क्या इनके टैलेंट में इजाफा होता है या गिरावट आती है या सैचुरेशन आने लगता है वक्त के साथ साथ? देखिए दिलीप साहब एक बहुत अच्छी बात किसी को कहे थे उस समय में वो था, उन्होंने कहा था कि हमारी टोपली में जो है इस टोकरी में बहुत गिने चुने खिलौने हैं, अब आप इसको एक साथ बेच दीजिए या लंबे समय तक बेच दीजिए। एक आर्टिस्ट, एक फिल्म मेकर अगर मैं हूँ तो मेरे पास अपनी कहने की 12-15 कहानियाँ होंगी, सही बात, बहुत से बहुत है ना, जिससे मैं बहुत ऐसा कि यार ये बात कहनी कहनी, लेकिन 16वीं 17वीं कहानी मेरी नहीं है, मुझे पसंद आई, ये फर्क आ जाता है। तो एक ये अपने एवेटार वाले आए थे अभी, ऐसी थोड़ी 7-7, 8-8 साल ले लेने, इससे थोड़ी भंसाली 3-3, 4-4, 5-5 साल का गैप लेते हैं। आपने कोई सपना देखा है उसको उसको पूरी तरह से बनाने के लिए उतना टाइम लगता है। अच्छा अच्छा भाई ने बोल दिया, अरे डेट है भाई की अगले महीने, अच्छा चलो ये स्टोरी ला रहे हैं जल्दी से, कोई भाई के लिए स्टोरी लिख, अच्छा म्यूजिक का ये बन गई 4 महीने में फिल्म, वो बनेगी ही नहीं, वो रजिस्टर ही नहीं होना है, वो आपने पैसे कमा भी लिए तब भी आपने फिल्म के लिए कुछ नहीं किया, आपने धंधा किया बस, वो प्रोजेक्ट बना, फिल्म नहीं बनी एक्चुअली। जो फिल्में बनी है वो बहुत तसल्ली से, प्यार से, सहेज के बनी है। वैसे एक एक्टर तो हर दिन अपने आप को जवान बनाता है, हर दिन। ओके, एक्टर दुनिया के अच्छे बुरे बुरे कड़वे मीठे सब एक्सपीरियंस पर डे ले रहा है ना, अलग अलग कैरेक्टर देख रहा है, ये इनको देख रहा है, कैमरामैन को, उनको देख रहा है, आपको देख रहा है, मुझे देख रहा है। मतलब अब मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन मैं जनरली बात, मैं मेरा हाथ बहुत चलता है ऐसा ना बात करते हुए, तो एक स्टार ने मुझे कहा कि मेरी ये फिल्म देखना, उसमें तेरा काम लिया है मैंने, ऑब्जर्व कर लिया हमने। मैंने कहा क्या, तू जाके देख, तब मुझे समझ में आया कि ये जो जो अंदाज है, मैंने कहा सही है। तो एक्टर कभी बूढ़ा नहीं होता है, एक्टर कभी एग्जॉस्ट नहीं होता है। हाँ, उस मोनोटोनी में पढ़ सकता है वो, उस मोनोटोनी को ब्रेक करने के लिए एक्टर को ब्रेक लेने की जरूरत होती है, और कई सारे एक्टर्स लेते भी हैं वैसे। सही बात है। अब ये जो एक्टर है या कोई भी और हो, क्रिएटिव डिपार्टमेंट्स हो, टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हो या प्रोडक्शन हो, हम सभी इस इंडस्ट्री में आते हैं स्टारडम के लिए, है ना, फिर स्टारडम मिलता भी है, लेकिन कई वजहों से स्टारडम चला भी जाता है, कई लोगों का चला जाता है, बहुत सारे लोगों चला जाता है। ऑडियंस को तो बहुत बाद में पता चलता है, स्टार को तो बहुत बाद में पता चलता है, लेकिन आपको उसके जो सिम्टम्स हैं, जो जर्म्स हैं, वो बहुत पहले दिखने लग जाते हैं, है ना। वो कब एहसास होता है कि यार ये कुछ गया, कितने दिनों पहले नजर आ जाता है आपको? अभी हम एक बहुत बड़ी अच्छी बात कर रहे थे ना कि जब एक कलाकार अपने आप को कला से बड़ा मानने लगता है, एक स्टार को लगता है कि इंडस्ट्री वो ही चला रहा है, तब आपको एहसास होता है कि लंका में विभीषण पहुंच चुका है। ओके, बहुत खूबसूरती से, है ना। और धीरे 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 हमने कई सारे बड़े फिल्म मेकर्स देखे, स्टार्स देखे, और दुख भी होता है यार, मतलब क्रिएटिव लोग हैं, अपना अच्छा काम किया, वो एक चीज चूक जाती है। बच्चन साहब भी चूके थे अपने समय में, पर बच्चन साहब ने उस चूक को एडमिट किया कि यार मुझसे गलती हुई,
उन्होंने उसको सही किया, अपने आप को इवॉल्व किया और आज बच्चन साहब 80 साल की उम्र में काम कर रहे हैं, जितना शायद एक स्टार नहीं कर रहा होगा। बिल्कुल सही है ना। तो उस आपसे जो गलती हुई है आप उसको इमीडिएट ठीक कर लें तो फिर भी आपके बच्चे रहने की संभावना होती है। ऑडियंस इतना दयालु होता है कि वो आपको स्वीकार कर लेता है, अच्छा ठीक है ना यार गलती हो गई उससे। बच्चन साहब ने निशब्द की थी तब लोगों को बहुत बुरा लगा था कि ये क्या कर दिया यार, पर बच्चन साहब ने कहा यार आई एम नॉट अ स्टार, अब मैं फिल्में नहीं चलाता हूं, मुझे अलग अलग रोल करने दो, आपने करवा लिया मेरे से 30 साल जो करवाना था, अब मुझे करने दो। या ऐसे कई सारे, सलमान खान की वापसी हुई, अक्षय कुमार की वापसी हुई है ना, इन लोगों सैफ अली खान अचानक कमाल के एक्टर बन के सामने आए, तो सैफ अली खान को आपने आउटराइटली रिजेक्ट कर रखा था। उस ब्रेक में इन्होंने सोचा, अपने आप को इवॉल्व किया, अपने आप को प्लेस किया। शाहरुख खान ने इतना टाइम क्यों लिया यहां तक आने के लिए कि ये मिडलाइफ क्राइसिस हर स्टार के दुनिया में आता है, जो कि एक लवर बॉय रहता है, एक एक्शन हीरो रहता है कि यार अब क्या, अब किस रास्ते जाया जाए, है ना। वो इवॉल्व होने का रास्ता तलाशने तक हर स्टार को वो टाइम लगता है। अब इंडस्ट्री जब इतनी तेजी से बढ़ रही है, डिजिटलाइजेशन और तेजी से बढ़ रहा है, मौके बहुत बढ़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही हैं, इस बदलते दौर में ये जो बदलते मौके हैं, बढ़ते मौके, इनको आप किस तरह से देखते हैं और नए आने वाले लोग उसका कैसे बेनिफिट ले सकते हैं? सिनेमा में एक लिमिटेशन, लिमिटेड खपत थी, अब वो खपत बढ़ गई है, बहुत बड़े पैमाने पे एक्टर्स की ज़रूरत होती है, अच्छे एक्टर्स की ज़रूरत होती है। अभी मतलब मैंने नाम नहीं लूँगा एक एक्टर को, हम ऐसी बात कर रहे थे, बोले ऐसे ऐसे वो है ना, मैंने कहा भाई अब एक्टिंग पे भी कुछ काम हो रहा है? हाँ बढ़िया चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं एक्टिंग वेक्टिंग कुछ मुझे लगता है वर्कशॉप वगैरह करना चाहिए। हाँ डायलॉग्स तो ठीक ही होते हैं अपने। मैंने कहा नहीं पर बिटवीन द लाइंस, अच्छा बिटवीन द लाइंस सब टेक्स्ट, अच्छा तो ये कौन सिखाएगा? आप स्टार बन चुके हो और ये नहीं मालूम, ये भी हालत, ये भी हाल है, ये भी हाल है, ये भी हाल है। राइट राइट, तो यही चीजें जो जानना चाहिए कि आप अगर बनना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो आपको तैयारी पूरी रखनी है और बाद में तैयारी और ज्यादा बढ़ाते जानी है, तभी आप इस बदलते दौर में अपॉर्चुनिटीज को कैच कर पाएंगे, क्योंकि अब ना लोग टैलेंट को देखने लग गए। निश्चित तौर पर मतलब आप छोटे छोटे शहरों से मुकेश छाबड़ा ने या दूसरी कंपनियां कास्टिंग की, इन्होंने सेंटर्स खोल रखे हैं कि वहां से बेस्ट एक्टर चूज किए जाए। एक अच्छा एक्टर क्या, जब आपको दिल खुश करता है, आप किसी काम को देख के अच्छा लगता है, आपको यार क्या बढ़िया है यार, है ना, तो वो अच्छा एक्टर है ना। आप दिखने में अच्छे एक्टर से कोई लॉजिक नहीं है उसका। राइट राइट, तो बहुत अच्छा लगा पराग जी आपसे बात करके, क्योंकि बहुत सारी बातें एक साथ एक ही वीडियो में निकल के आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, गॉड ब्लेस। तो मेरे साथ थे पराग छाबेका जी। आप फिल्म जर्नलिज्म को जानना समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को बार बार देखिएगा, और जानना समझना इसलिए भी जरूरी है कि अगर फिल्म सिनेमा में आना चाहते हैं तो इसको जानना ही पड़ेगा, इसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। क्योंकि कितने भी बड़े स्टार्स हों, कितनी भी बड़ी फिल्में हों, अगर उनका जिस्ट निकाल के देखना हो, अगर छोटे में समझना हो, तो उसके लिए वीडियो बहुत कमाल का हो सकता है। अगले वीडियो में फिर से मिलूंगा, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। आप भी एक्टर बन सकते हैं, अपने घर शहर से शुरुआत कर सकते हैं, सीखिए फिल्म एक्टिंग और फिल्मों में काम करने के तरीके अपने बजट और टाइम के अनुसार। जॉब स्टडी के साथ बनाए बॉलीवुड में करियर। जानना चाहते हैं कैसे? तो जॉइन फिल्म्स एकेडमी को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करें एक्टर योर नेम और सेंड करें 8433666618 पर। जॉइन फिल्म्स एकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल।